नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुन्नू श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के ड्यू सोल नॉर्थ कैंपस पर एक स्टूडेंट्स ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड की कि परीक्षाएं जो है आगे बढ़ाई जाए, उन्हें पोस्टपोन किया जाए। इसके अलावा बहुत सारी और भी उनकी मांगें थी, इन पर बात करने के लिए आज हम हैं ड्यू एसओएल कैंपस में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे। नमस्कार प्रोफेसर पांडे। कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जो है वो एसओएल के गेट पर प्रदर्शन किया और उन्होंने ये मांग की कि उनकी ना क्लासेस हुई हैं, ना उनको स्टडी मटेरियल मिला है और ना ही ठीक से उनकी काउंसलिंग हुई है और अब वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो लिहाजा एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको मुन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप छात्रों की समस्याएं लेकर उपस्थित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारी कक्षाएँ सुचारू रूप से हुई हैं, सभी छात्रों छात्राओं को पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल टाइमली अवेलेबल करा दिया गया है। और आपको जानकर ये भी बेहद खुशी होगी कि लगभग 80% मटेरियल तो हमने छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं होगा कि उनकी क्लासेस नहीं सुचारू रूप से हो पाई। और हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ हमने बच्चों को और लोगों को बता भी दिया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रहीं और ऑफलाइन भी क्लासेस सुचारू रूप से अभी तक चलती जा रही हैं, इंक्लूडिंग संडे सैटरडे। तो बहुत सारी क्लासेस हुई, बच्चों को स्टडी मटीरियल सब कुछ दे दिया गया और क्लासेस के बाद जो एग्ज़ामिनेशन की डेट के बारे में जैसा मैंने बताया था पहले भी आपको, ये परवी है परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही इस डायरेक्शन में कोई भी दिशा निर्देश जारी कर सकता है। और जहाँ तक मुझे सूचना है, ऐसी कोई भी सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है कि परीक्षा की डेट स्थगित की जा रही है। और ड्यू सोल के कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिट कार्ड ब्लैंक मिलने की भी शिकायत मिली थी, तो क्या सर्वर से ये समस्या दूर हो चुकी है? मुझे लगता है वो कुछ समस्याएं जो एक दो चीज़ें अगर आई हैं, ये छात्रों की कुछ प्रॉब्लम थी उसके कारण हुआ है, हमारे सर्वर के इश्यूज नहीं थे। कभी कभी कुछ छात्रों की कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रॉपरली उनसे हैंडल नहीं हो पाए थे, तो शायद उसके कारण कुछ गलतियां हुई। और अगर अच्छी कुछ चीज़ें हैं तो हम छात्रों को यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ और अपना ले जाएँ। सर, सेकेंड सेमेस्टर के जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे क्योंकि इनका पहला सेमेस्टर ऑनलाइन था, तो इनको क्या ध्यान रखना चाहिए एक प्रिंसिपल के नाते, आप क्या बताएं? मैंने आपके थ्रू पहले भी इस माध्यम से बताया था कि छात्रों को चूंकि लिखित परीक्षा देनी है और पेन पेपर का, तो उनको उसका अभ्यास कर लेना चाहिए सो दैट टाइमली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएँ। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में समय में मिलता था और आराम से छात्र इधर से किसी न किसी तरीके से आप उसको करते थे, लेकिन चूंकि पेन और पेपर के माध्यम से जो परीक्षाएं देनी है, तो अगर छात्रों को अभ्यास करके लिखनेंगे तो लिखने में भी सहायता मिलेगी और अच्छे मार्क्स भी बहुत आसानी से आएंगे। एक सर और भी शिकायत थी जब फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे कि बच्चे बैग लेके जा रहे थे, मोबाइल चोरी की भी कुछ सूचनाएँ मिली थी और कुछ FIR वगैरह भी हुई, तो इस बार आप जो है वो सेंटर से कोई बात हुई आपकी कि स्टूडेंट्स के बैग और उनके मटेरियल को एक जगह रखवाया जा सके? मुन्मुन जी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि परीक्षा का सारा नियंत्रण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय करता है, उसमें हमारा रोल नहीं होता है। तो जैसे भी दिशा निर्देश जो उस नियंत्रक कार्यालय द्वारा उन सभी सेंटर्स को, वो जितने भी कॉलेजेज हैं या हम सबको आता है, उसी के दिशा निर्देश में हम लोग काम करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सेंटर पर मोबाइल ले जाना या किसी बैग्स वगैरह ले जाने से बचें, क्योंकि आजकल जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं सब में ये इस तरीके की सारी चीज़ें निषेध होती हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ साथ ना ले जाएं परीक्षा के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के। नमस्कार।